गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज फिर थोड़ा सा लेट हैं तो चलिए कोई बात नहीं। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर 4 किसका, सॉलिड स्टेट का, ठीक है। और लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। उसमें दो सॉलिड को डिटेल से हम आपको पढ़ा चुके हैं, कौन सा, तो आयनिक सॉलिड और दूसरा क्या बताए थे, मेटेलिक सॉलिड। अब दो सॉलिड के प्रॉपर्टीज बच गए थे, एक कोवेलेंट सॉलिड और दूसरा मॉलिकुलर सॉलिड। पहले उसको डिटेल से सीख जाए, फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी बेस, देन फिर आपको होमवर्क देंगे। चलिए स्टार्ट किया जाए। देखिएगा ध्यान से, आज हम लोग को जो सीखना है, सब कुछ परफेक्ट जा रहा है, वॉइस वाइज क्लियर है, सब कुछ सही ढंग से जा रहा है। वन टाइम आप लोग बता दो सही है तो चलते हैं आगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सब कुछ सही ढंग से जा रहा है, ठीक है। सब कुछ सही ढंग से जा रहा है, उम्मीद कर रहे हैं। यस, ठीक है, एवरीथिंग इज वेल, ठीक है। नाउ हेडिंग देंगे कोवेलेंट सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड। इसी सॉलिड का दूसरा नाम होगा नेटवर्क सॉलिड। इसी सॉलिड का दूसरा नाम क्या होगा, नेटवर्क सॉलिड, ध्यान दीजिएगा। इसी सॉलिड का दूसरा नाम होगा नेटवर्क सॉलिड। अब इस पे पूछे कि कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो कैसा होंगे, कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल। तो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल यहां पर एटम होंगे। एटम दो बार यूज किए थे, मेटेलिक सॉलिड में एटम यूज किए थे तो वहां मेटेलिक एटम था, और यहां पर प्रायः नॉन मेटेलिक एटम्स होंगे। यहां पर प्रायः कैसे एटम होंगे, प्रायः मोस्टली टाइम, कुछ जगहों को छोड़ देंगे, मोस्टली टाइम नॉन मेटेलिक एटम होंगे, क्लियर। और ये किस फोर्स से बंधेगा, तो जो फोर्स इसको बांधेगा वो फोर्स होगा कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड इसको बांध के रखेगा, कोवेलेंट बॉन्ड। किस फोर्स से ये बंधेंगे, तो कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड से बंधेंगे, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स अगर हम लोग को देखना चाहिए तो कौन कौन से इसके एग्जांपल होंगे वो जरा देखिए। एग्जाम्पल में तो कार्बन के दो एलोट्रॉप्स हैं, डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड देख लो, अल्मोनियम नाइट्राइड देख लो, क्वार्ट्स देख लो, ग्रेफाइट देख लो, ये सब एग्जाम्पल हैं किसके, तो कोवेलेंट सॉलिड के, नेटवर्क सॉलिड के। कोवेलेंट सॉलिड में जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, एटम होंगे, ठीक है। ये बंधेंगे कैसे, बाय कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड से बंधते हैं तो इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है, ध्यान से देखिएगा कि जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो समझिए इस बात को कि कोवेलेंट बॉन्ड का बाइंडिंग एनर्जी अप्रॉक्स 150 to 500 किलो जूल पर मोल होता है, ठीक है, 150 to 500 किलो जूल पर मोल होता है। कल हम लिखा दिए होंगे इसका भी बाइंडिंग एनर्जी, मेटेलिक सॉलिड का, मेटेलिक सॉलिड का एक नोट करके वहां आप लिख लेना, नोट पॉइंट करके लिख लेना, मेटेलिक सॉलिड का जो बाइंडिंग एनर्जी होगा, मेटेलिक सॉलिड का जो बाइंडिंग एनर्जी होगा जिसको मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं, वो 70 से लेके 1000 किलो जूल पर मोल होगा। वहां हमको लगता है गलती से यही पॉइंट वहां पर भी लिख दिए होंगे, तो उसको सुधार कर लीजिएगा, ये सब याद रखने वाला पॉइंट है, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा, 150 टू 500 किलो जूल पर मोल। आपस में बंधेंगे कैसे, कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड दिखाएंगे कैसे बंधेंगे आपस में, पहले नोट करते चले जाइए। सिलिकॉन कार्बाइड भी होगा, हाँ वेरी गुड, सिलिकॉन कार्बाइड भी होगा, क्यों नहीं होगा, अब हम लोग देखेंगे क्या दिखेगा इसमें, कैसा सॉलिड होगा,
तो हार्ड होगा, फिजिकल स्टेट इसका क्या होगा, हार्ड होगा। अगर हमसे पूछा जाए कि फिजिकल स्टेट कैसा होगा, फिजिकल नेचर इसका कैसा होगा, तो हार्ड होगा, हार्ड होगा। इन सभी में थोड़ा बहुत जो सॉफ्ट होता है वो ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट को हम लोग को ग्रेफाइट को हम लोग इन इसके कंपेयर डायमंड के कंपेयर सॉफ्ट मानते हैं, सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो अगर मेल्टिंग पॉइंट पूछा तो क्या लिखेंगे, तो मेल्टिंग पॉइंट इन सभी का हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट इन सभी का हाई होता है। पर कभी क्वेश्चन पूछिए कि ग्रेफाइट और डायमंड में किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो डायमंड का ही होगा। यानी जो मेल्टिंग पॉइंट अगर आप देखते होंगे तो वो डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा दिखेगा। किससे ज़्यादा दिखेगा, तो ग्रेफाइट से ज़्यादा दिखेगा। क्लियर, क्यों दिखेगा अभी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे धीरे धीरे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हार्ड है, फिजिकल नेचर क्या है, हार्ड है, और ग्रेफाइट इनके मुकाबले सॉफ्ट है। मेल्टिंग पॉइंट सबका वेरी हाई, हाई ना लिख के हम लोग क्या लिखते हैं इसको, वेरी हाई। जितना भी सॉलिड अभी आप लोगों ने देखा उन सभी में सबसे हाई जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो किसका होगा, आपको कोवेलेंट सॉलिड का होगा। पूछा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कैसा है, तो आप कहिएगा कि इलेक्ट्रिकल नेचर अगर पूछा तो एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को छोड़ दीजिए, बाकी सभी का सभी इंसुलेटर होते हैं। एक्सेप्ट ग्रेफाइट ऑल आर इंसुलेटर, एक्सेप्ट ग्रेफाइट ऑल आर इंसुलेटर। एक्सेप्ट ग्रेफाइट ऑल आर इंसुलेटर। तो यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि हमको ग्रेफाइट और डायमंड का अंतर स्पष्ट कीजिए, ग्रेफाइट और डायमंड में हमको अंतर स्पष्ट कीजिए, क्या डिफरेंसेस है ग्रेफाइट और डायमंड में, क्या कारण है कि ग्रेफाइट गुड कंडक्टर हो गया, नहीं कंडक्टर हो गया, और डायमंड नहीं है, क्यों डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत हाई होता है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, करना क्या है आपको, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, कोवेलेंट सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड, इसके जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, एटम्स, एटम में प्रायः क्या होंगे, नॉन मेटेलिक एलिमेंट, कौन सा फोर्स इसको बांध के रखेंगे, तो आप कहिएगा कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल क्या होंगे, डायमंड, अल्मोनियम नाइट्राइड, क्वार्ट्स, ग्रेफाइट, बोरोन नाइट्राइड, अभी एक बच्चा लिख रहा था, है ना, ये सभी क्या हैं फिजिकल नेचर में, हार्ड। ग्रेफाइट सॉफ्ट है एज कंपेयर टू डायमंड, ग्रेफाइट सॉफ्ट है एज कंपेयर टू डायमंड। और याद रखने वाला पॉइंट क्या है कि मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, डायमंड का कि ग्रेफाइट का, तो डायमंड का। मेल्टिंग पॉइंट जितना भी सॉलिड अभी आप देख रहे हैं उन सभी में इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। एक्सेप्ट ग्रेफाइट ऑल आर इंसुलेटर, बैड कंडक्टर, ग्रेफाइट कैसे कंडक्टर हो जाता है उसकी चर्चा हम लोग को करनी है, ठीक है। नहीं नहीं रोशन जी, मेल्टिंग पॉइंट डायमंड का अप्रॉक्स 3843 होता है, 4000 केल्विन के आसपास होता है। अगर हम डायमंड का देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट तो 4000 केल्विन के आसपास होता है, अप्रॉक्स लिखे हैं, किसी किताब में 3848 ऐसा लिखा हुआ रहेगा, मतलब लगभग 4000 केल्विन के आसपास होता है ना। चलें आगे, कोवेलेंट सॉलिड प्रायः नॉर्मोस्टली टाइम लिखे, ऐसा नहीं है कि एल्युमिनियम कोवेलेंट सॉलिड नहीं बनाता है, इन कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाता है, वो कंडीशन है ना, मोस्टली टाइम कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय नॉन मेटेलिक एलिमेंट। चले आगे, आगे बढ़े, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, नोटेड, वेरी गुड। चले अब आए डिफरेंस बिटवीन ग्रेफाइट और डायमंड।
डिफरेंस बिटवीन ग्रेफाइट एंड डायमंड। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ठीक है। जब डायमंड का यूज करते हैं, पहले तो दोनों एलोट्रॉप्स है एक दूसरे के, कार्बन यानी कार्बन के दो रूप हैं अप्रूप, एक ग्रेफाइट के रूप में मिलेंगे, डायमंड के रूप में मिलेंगे, और भी होते हैं पर ये मेन दो हैं। अब जब डायमंड देखोगे तो वहां क्या दिखेगा कि जो कार्बन एटम है एक दूसरे से टेट्राहेड्रली सराउंडेड है, कार्बन के जो एटम है एक दूसरे से टेट्राहेड्रली सराउंडेड होते चले जाते हैं, है ना, एकदम आराम से। फिर ये टेट्राहेड्रली सराउंडेड होता चला जाएगा, फिर उसी तरह ये भी टेट्राहेड्रली सराउंडेड होता चला जाएगा, ये फिर उसी तरह टेट्राहेड्रली सराउंडेड होता चला जाएगा। यानी कार्बन में ये जो एटम आप देख रहे हो, कार्बन चार बॉन्ड बना रहा है, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन चार है, चार बॉन्ड तो बना रहा है, चारों सिंगल बॉन्ड है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। तो ये टेट्राहेड्रल सिस्टम से बना रहा है, टेट्राहेड्रल कार्बन की यहाँ पर स्ट्रक्चर है। पर जब ओवरऑल स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे कार्बन का, जो डीपली आप जाके पढ़ेंगे, तो वहाँ हम लोग को दिखेगा ऑक्टाहेड्रल रूप में लिया है। कैसे लिया वो तो डिटेल की बात है। अभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, टेट्राहेड्रली एटम सराउंडेड है, ये कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कितना होता है, 154 पिकोमीटर। इस तरह से ये एक एटम दूसरे एटम से जुटते हुए एक लार्ज स्ट्रक्चर तैयार करता है, ठीक है। अब जब आप ग्रेफाइट को देखते हो, ग्रेफाइट में कहानी कुछ अलग है, ग्रेफाइट में जो कहानी है वो कुछ अलग है। ग्रेफाइट को जब देखोगे तो इस रूप में आपको दिखेगा, वो हेक्सागोनल फॉर्म बनाता हुआ, इस रूप में बनता हुआ नजर आ जाएगा आपको, और अल्टरनेट इसमें आपको क्या दिखेगा, पाई बॉन्ड की कहानी दिखने लगेगी। इस तरह से कहानी आपको दिखना शुरू हो जाएगा, अल्टरनेट पाई बॉन्ड की कहानी दिखना शुरू हो जाएगा, है ना। अब यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन तुम देखोगे इस कार्बन का, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपको दिखेगा sp2। तो पहला जो बेसिक डिफरेंसेस देखना है, कार्बन के ही दोनों रूप है, एक जगह कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज सिस्टम के थ्रू बढ़ रहा है और एक जगह sp2, और जहां sp2 होगा तब तो ये ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर के थ्रू बढ़ेगा, और यहां पर ये जो देख रहे हो ये रेगुलर हेक्सागोन एक प्लेनर सीट के रूप में दिख रहा है आपको। और यहां पर जब बॉन्डलेंथ देखना चाहोगे तुम, तो ये जो बॉन्डलेंथ देखोगे ड्यू टू कंजुगेशन, हर एक कार्बन का बॉन्डलेंथ 141.2 पिकोमीटर है, यहां कार्बन कार्बन के बीच का लेंथ 154 पिकोमीटर है, और यहां कितना है, 141.2 पिकोमीटर। इस तरह का स्ट्रक्चर आपको कहां दिख रहा है, ग्रेफाइट में, और इस तरह का स्ट्रक्चर कहां दिख रहा है आपको, डायमंड में दिख रहा है, क्लियर। एक बात और समझो, यहां पर कहीं पर भी पाई बॉन्ड है, यहां पाई बॉन्ड है, और वो भी पाई बॉन्ड कैसे है, अल्टरनेट पाई सिग्मा पाई, जहां पर अल्टरनेट पाई बॉन्ड आते हैं इस तरह का सिस्टम दिखता है, उसको कहते हैं कंजुगेशन। अल्टरनेट पाई बॉन्ड पाई सिग्मा पाई इस तरह का सिस्टम जहां दिखे इसे कहते हैं कंजुगेशन, पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन। जहां कंजुगेशन होगा, जहां कंजुगेशन होगा वहां रेजोनेंस होगा, वहां पर पाई इलेक्ट्रॉन आसानी से एक जगह से दूसरे जगह मूव करेंगे, और जहां इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा वो तो गुड कंडक्टर हो जाएगा। तो पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन हुआ, और जब पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन हुआ तो जहां कंजुगेशन होगा वहां रेजोनेंस होगा, जहां रेजोनेंस होगा वहां पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, और जहां इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा वो गुड कंडक्टर हो जाएगा। तो ग्रेफाइट में जो अल्टरनेट पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन आ रहा है, इसके चलते उसके पाई इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, जिसी के चलते ये कंडक्टर बन जाता है। इसी के चलते यहां ही लिख देते हैं, कंडक्टर गुण होने के पीछे रीजन क्या है, तो ये
अल्ट कंजुगेशन क्या है, मोबाइल पाई इलेक्ट्रॉन, यानी पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर सकता है। ठीक है, नोट करते चले। ठीक है, पिकोमीटर होता चला जाए, कोई दिक्कत वाली बात। अब आप देखिए यहाँ पर उसी तरह ये प्लेनर स्ट्रक्चर के रूप में बन रहा है। अब इसी तरह का स्ट्रक्चर नीचे में भी हम लोग बना सकते थे, और एक स्ट्रक्चर और दूसरे स्ट्रक्चर लेयर के बीच में जगह नहीं है इसलिए थोड़ा, इसी तरह का स्ट्रक्चर आगे भी बना सकते थे। ठीक है, अब आप इसमें भी अल्टरनेट पाई बॉन्ड सजा लीजिए जैसे सजाए थे ऊपर में। और इन सभी लेयर, दो लेयर हैं, ध्यान से देखिएगा, इस दो लेयर के बीच में ये जो गैप आप देखिएगा लगभग इसका दुगना होता है, लगभग इसका दुगना होता है, 370 पिकोमीटर के बीच होता है, यानी लगभग इससे दुगना होता है। तो दो दोनों के बीच में, चूंकि ये पूरा एक नॉन पोलर पार्ट है, तो इस दोनों के बीच में एक वंडरवाल फोर्स, वंडरवाल फोर्स, ये वंडरवाल फोर्स क्या होता है आज ही बताएंगे, डिटेल से बताएंगे, एक वंडरवाल फोर्स ऑपरेट होता है जिसके चलते एक लेयर दूसरे लेयर पर, चूंकि ये वंडरवाल फोर्स वीक होता है तो एक लेयर दूसरे लेयर पर स्लिप कर सकता है। यही कारण होता है कि ग्रेफाइट सॉफ्ट होते हैं। क्लियर सी बात समझ में आ रहा है। और यहाँ ये क्रॉस नेटवर्किंग जैसा सॉलिड से जुटता चला जाता है, यहाँ जो क्रॉस नेटवर्किंग हो रहा है इसी के चलते यह हार्ड है और इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाई है। और यहाँ एक लेयर दूसरे लेयर से कैसे जुट रहा है, तो कह रहे हैं कि वंडरवाल फोर्स से जुट रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात, एकदम आराम से चलते चले। डबल बॉन्ड के वजह से ही इस पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन, इस डबल बॉन्ड के ही वजह से ये कंडक्टर है, और यहाँ डबल बॉन्ड तो है नहीं, इसके चलते ये क्या है, इंसुलेटर है। कोई कन्फ्यूजन वाली बात। अब दोनों में क्या देख लिया अंतर, यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन नेटवर्क है, यहाँ sp2 है, यहाँ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाते हुए मॉलिक्यूल्स फ्लैट प्लेनर सिस्टम में बन रहा है, यहाँ 3D सिस्टम में बन रहा है, नॉन प्लेनर है, क्रॉस नेटवर्किंग यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पर एक लेयर दूसरे लेयर के बीच में वंडरवाल फोर्स लग रहा है, और यहाँ पर ये क्रॉस नेटवर्किंग के थ्रू बढ़ता चला जा रहा है। ये किस नेचर का हो गया, हार्ड होगा, इसके कंपेयर ये क्या होगा, सॉफ्ट होगा। क्लियर सी बात है। डेंसिटी देखेंगे तो इसका हाई दिखेगा, इसकी डेंसिटी थोड़ा वीक दिखेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक एटम दूसरे एटम के बीच का जो लेंथ है 154 पिकोमीटर है, और यहाँ दो लेयर के बीच की दूरी जस्ट इससे क्या है, डबल है। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो अंतर दिखाते हैं क्या क्या अंतर है। मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा, डायमंड का, कम किसका, ग्रेफाइट का। ठीक है, क्यों ये गुड कंडक्टर है ये भी बात आप समझ रहे हैं। नोटेड, वेरी गुड। हाँ लिखो लिखो, एकदम आराम से लिखो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं पर दिक्कत आ रहा है पूछिए भी। नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लीजिए आराम से। आगे चले,
अब देखिए ये साफ साफ आपको दिख रहा है, यहां पर ये आपको दिख रहा है किसका स्ट्रक्चर, ये कार्बन के दो एलोट्रॉप्स हैं, डायमंड और ग्रेफाइट 2D स्ट्रक्चर में है, ये 3D स्ट्रक्चर में है। यहां पर पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन दिख रहा है, जिसके चलते यहां क्या दिख रहा है, पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन दिख रहा है, जिसके चलते यह इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज दिखा रहा है। इसी तरह का हेक्सागोनल लेयर है, यहाँ देखिए इसके बीच का डिस्टेंस कितना, 141.5 पिकोमीटर या दो लिखिए कोई दिक्कत नहीं उससे, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 340 पिकोमीटर है, और यहाँ कार्बन कार्बन के बीच का डिस्टेंस क्या है, 154 पिकोमीटर है, जस्ट इससे क्या है, डबल है। इस तरह का लेयर दिखेगा, और इस लेयर के बीच में कैसा फोर्स ऑपरेट हो रहा है, तो वंडरवाल फोर्स ऑपरेट हो रहा है। क्यों ये गुड कंडक्टर है, तो बताइएगा कि यहाँ पर पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन हो रहा है, पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन है, इस कंजुगेशन के चलते पाई इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इसलिए कंडक्टर है। यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। कोई कन्फ्यूजन वाली बात, क्या क्या अंतर है वो दिखाना चाहते हैं, नोट कर लीजिए इसको भी। हाँ, 141.5 लिखिए या एक दो लिखिए कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंट बुक में डेटा हम इसलिए अप्रॉक्स में लिखते हैं। लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वही शेप बनाए हैं, ये डायमंड का शेप है और ये हेक्सागोनल शेप है ग्रेफाइट का, एक लेयर दूसरे लेयर के बीच में वंडरवाल फोर्स है। यहां कुछ नहीं लिखे, यहां सिर्फ ये लिखे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन जो है कार्बन का ये है, इस तरह से है ये लिखाया हुआ है। इसमें देखने में क्या दिक्कत है, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर तो बना के दिखाए ही आपको, है ना, ठीक है। जहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, जहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा वो ट्रेगोनल प्लेनर होंगे, जहाँ sp3 थ्री डायमेंशनल होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, नॉन प्लेनर, प्लेन से बाहर, दो प्लेन में जब तक रहेगा तो प्लेनर होगा, तीसरा प्लेन जहाँ से इंट्रोड्यूस कर देंगे तो वो नॉन प्लेनर हो जाएगा। अब देखिए अंतर क्या क्या है, अब जरा देखिए, खाली समझते रहिएगा बात को। यहाँ पर डेंसिटी देखो 3.5 है, डायमंड की डेंसिटी कितना है, 3.5 ग्राम पर ml, नहीं दिख रहा है, घबराने की कोई बात नहीं, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है, कौन, डायमंड क्या है आपको, एकदम हार्ड है, ग्रेफाइट डायमंड के कंपेयर में क्या है, सॉफ्ट है। पहला अंतर सुनिए, ध्यान से सुनते जाइए, नहीं दिख रहा होगा हम बोल रहे हैं वो आप लिख सकते हैं, एक तरफ डायमंड लिखा, एक तरफ हमने क्या लिखा, ग्रेफाइट लिखा। डायमंड क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ये क्या है, सॉफ्ट है, ये क्या है, स्लिपरी विथ डेंसिटी, यानी एक लेयर दूसरे लेयर पर स्लिप करता है, इसलिए लिखा स्लिपरी विथ डेंसिटी 2.3 ग्राम पर ml, यानी अगर हम डायमंड की डेंसिटी देखेंगे तो 3.5 ग्राम पर ml है, डायमंड की डेंसिटी ज्यादा है, ग्रेफाइट की डेंसिटी 2.3 ग्राम पर ml है, यानी ग्रेफाइट की डेंसिटी कम है और डायमंड की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, क्लियर। अब जरा देखिएगा, इट्स क्रिस्टल आर ऑक्ट्राहेड्रल, जबकि कार्बन कार्बन से टेट्राहेड्रल ही जुड़ा रहता है, पर जब हम लोग आगे स्ट्रक्चर बना के देखेंगे तो ऑक्ट्राहेड्रल दिखेगा, कलरलेस होगा एंड ट्रांसपेरेंट होंगे, कोई दिक्कत वाला, किसका, डायमंड का, ऑक्ट्राहेड्रल क्रिस्टल होगा, कलरलेस होगा और ट्रांसपेरेंट होगा, जबकि ग्रेफाइट का क्या होगा, ब्लैक कलर होंगे, कैसा कलर होंगे, ब्लैक कलर होंगे, और हेक्सागोनल क्रिस्टल में दिखेगा, हेक्सागोनल क्रिस्टल में दिखेगा, जबकि ये किस रूप में दिख रहा है, ऑक्टाहेड्रल, और ग्रेफाइट का क्रिस्टल कैसा दिखेगा, हेक्सागोनल, ये क्या होगा, कलरलेस, ये क्या होगा, ब्लैक कलर का होगा, ये ट्रांसपेरेंट होगा, ये ओपेक होगा, मतलब कुछ धुंधला टाइप का दिखेगा, कोई दिक्कत वाली बात। अब नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए, डायमंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है,
डायमंड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा, ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्यों है ये हम बता चुके हैं आपको अभी, कैसे पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। ध्यान से देखिएगा, पहला पॉइंट में कहीं दिक्कत, दूसरा में कोई दिक्कत, ये जो बताएं उसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए। अगला पॉइंट हम बता रहे हैं, फिर से सुन लीजिए, फिर से बता देते हैं, घबराने की कोई बात नहीं, फिर से रिपीट हम कर देते हैं आपको कि डायमंड क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ग्रेफाइट क्या है, सॉफ्ट है, इसकी डेंसिटी 3.5 ग्राम पर एमएल है, इसकी डेंसिटी 2.3 ग्राम पर एमएल है, ठीक है। इसका जो क्रिस्टल होता है वो ऑक्टाहेड्रल है, इसका क्रिस्टल जो है हेक्सागोनल है, ये कलरलेस है और ये ब्लैक कलर का है, ये ट्रांसपेरेंट है, ये ओपेक है, कोई दिक्कत वाला बात। ये डायमंड जो है नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े थे, ध्यान से देखिएगा, थर्मोडायनेमिक्स में एक पॉइंट पढ़े थे कि जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है नेचर में इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ग्रेफाइट का जीरो होता है, वैसे सब्सटेंस जो नेचुरली अकरेंस होते हैं उसका इंथैल्पी क्या मानते हैं हम लोग, जीरो मानते हैं, जबकि डायमंड का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना है, 29 किलो जूल पर मोल है। इस पर हम लोग बहस नहीं करेंगे, ज़्यादा होगा थर्मोडायनेमिक्स में डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है, जीरो है, और यहाँ क्या है, 29 किलो जूल पर मोल है, ठीक है। अब हम डिटेल से इस पॉइंट को समझा रहे हैं, जो अभी हम स्ट्रक्चर बना के दिखाए वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ड में वो बोल रहे हैं, समझने की कोशिश आप कीजिएगा। क्या देखें हम लोग ग्रेफाइट में, इन ग्रेफाइट कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टुगेदर इन फ्लैट लेयर्स, आप देखे थे कि नहीं, फ्लैट लेयर्स में बना हुआ है, बाय स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स इन ए रेगुलर हेक्सागोनल, कैसा शेप बनाए थे, रेगुलर हेक्सागोन से बनाते चले थे। दीज लेयर्स आर हेल्ड टुगेदर बाय मच वीकर वंडरवाल फोर्स, therefore the crystal of the graphite are soft and slippery, यानी एक लेयर दूसरे लेयर से वीक वंडरवाल फोर्स से बंधा हुआ है, यही कारण है उसके सॉफ्ट होने का और स्लिपरी नेचर होने का, एक दूसरे पर स्लिप जो करता है वही कारण है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ग्रेफाइट में क्या है, कार्बन एटम्स किससे बंधा हुआ है, बॉन्डेड टुगेदर इन फ्लैट लेयर्स, एक एक लेयर से बंधा हुआ है, वो लेयर कैसा है, हेक्सागोन है, और एक लेयर दूसरे लेयर के बीच कैसा फोर्स लग रहा है, वीक वंडरवाल फोर्स लग रहा है, जिसके चलते वो सॉफ्ट है और स्लिपरी नेचर का है, ठीक है। अब जरा देखिए डायमंड में क्या होता है, इन डायमंड ईच कार्बन एटम्स कोवेलेंटली बॉन्डेड टू फोर अदर कार्बन एटम, यानी डायमंड में एक कार्बन एटम कोवेलेंट बॉन्डेड है चार अदर कार्बन एटम से, अलोंग फोर कॉर्नर ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, यानी जैसे रेगुलर टेट्राहेड्रॉन में चार एटम जुटा रहता है, उसी तरह डायमंड में एक कार्बन एटम चार कार्बन एटम से टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर से जुटा हुआ है। दिस पैटर्न एक्सटेंड्स इन थ्री डायमेंशनल डायमंड इज ए हार्ड एंड ड्यू टू स्ट्रॉन्गर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन इट, इसी के चलते जब इसको हम थ्री डायमेंशन में इसको एक्सटेंड करते हैं, जिसके चलते ये बहुत हार्ड हो जाता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ एक लेयर दूसरे लेयर के बीच वंडरवाल फोर्स लग रहा है और वो सभी नेटवर्क तैयार कर रहा है किसके थ्रू, कोवेलेंट के थ्रू, इसी के चलते वो हार्ड हो जाता है, ठीक है। यहां तक में किन्हीं को कोई दिक्कत, चले आगे, एकदम आराम से समझें, फिर से समझें, हार्ड कौन हुआ ग्रेफाइट, हार्ड कौन हुआ डायमंड, सॉफ्ट कौन हुआ ग्रेफाइट, डेंसिटी हाई किसका हुआ डायमंड का, कम किसका हुआ ग्रेफाइट का, मेल्टिंग पॉइंट हाई किसका हुआ डायमंड का, कम किसका हुआ ग्रेफाइट का, हाइब्रिडाइजेशन sp3 किसका हुआ डायमंड का, sp2 किसका हुआ ग्रेफाइट का, हेक्सागोनल लेयर कहाँ बना ग्रेफाइट में, टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर कहाँ बना डायमंड में, कोई दिक्कत, गुड कंडक्टर कौन हुआ ग्रेफाइट,
बैड कंडक्टर कौन हुआ? डायमंड। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इन नेचर जीरो किसका हुआ? ग्रेफाइट का। जीरो किसका नहीं हुआ? डायमंड का। कोई दिक्कत वाली बात? एकदम मौखिक तौर पर ऐसे याद रखेंगे। कार्बन के दो अपरूप हैं, कितने अपरूप हैं? दो, डायमंड और ग्रेफाइट। क्लियर। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कार्बन कार्बन से टेट्राहेड्रली जुटा हुआ है, यानी सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुटा हुआ है। तो डायमंड में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, ग्रेफाइट में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। sp2 हुआ तो वहाँ डबल बॉन्ड आया, किस में? ग्रेफाइट में। और देखते हैं कि ग्रेफाइट में वो हेक्सागोनल, कार्बन कार्बन से हेक्सागोनल फ्लैट स्ट्रक्चर बनाते हुए जा रहा है, और उसमें पाई सिग्मा पाई यानी अल्टरनेट पाई बॉन्ड आता है। जहाँ अल्टरनेट पाई बॉन्ड आता है वहाँ पर कंजुगेशन होता है, और जहाँ पर कंजुगेशन होगा वहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, और जहाँ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उसके चलते वो कंडक्टर हो जाएगा, तो ग्रेफाइट कंडक्टर है। फिर समझना है डेंसिटी हार्ड हाई किसका है? डायमंड का। कम किसका है? ग्रेफाइट का। ये वैल्यू याद नहीं है तो खाली ये भी समझ सकते हैं कि डेंसिटी हाई किसकी है? डायमंड का। लो किसका है? ग्रेफाइट का। हार्डर नेचर कौन है? डायमंड। सॉफ्ट नेचर कौन है? ग्रेफाइट। कलरलेस कौन है? डायमंड। ब्लैक कलर कौन है? ग्रेफाइट। ट्रांसपेरेंट कौन है? डायमंड। ऑपेक कलर का कौन है? ग्रेफाइट। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर किसका होगा? डायमंड का। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर किसका होगा? ग्रेफाइट का। कोई दिक्कत वाली बात? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो किसका होगा? ग्रेफाइट का। नहीं जीरो किसका होगा? तो हम लोग कह देंगे डायमंड का। कोई दिक्कत वाली बात है? तो इस तरह से हम लोग अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर अल्टरनेट, अल्टरनेट मतलब एक छोड़कर एक, कंजुगेशन वहीं पर होगा जहाँ पर अल्टरनेट पाईबॉन्ड आता है। समझ रहे हैं बात को? अल्टरनेट कहने का मतलब यह है, जैसे बेंजीन आप देखते हो तो अल्टरनेट एक छोड़ के एक पाई बॉन्ड आए, पाई सिग्मा पाई, एक जगह पाई है फिर दूसरे जगह नहीं है फिर तीसरे जगह है। अल्टरनेट जब पाई बॉन्ड आता है तो उसी को कंजुगेशन कहते हैं, जो आप लोग GOC में पढ़िएगा दो तीन दिन के अंदर, है ना। आगे बढ़े हम लोग। हाँ, दोनों को 3D में ले जा सकते हैं, ये तो 3D में ही तो दिखा है, ये 3D स्ट्रक्चर है, ये 3D स्ट्रक्चर है ना। डायमंड में, ग्रेफाइट में क्या होता है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है जिसके चलते वो फ्लैट प्लेन में देख पा रहे थे, और 3D स्ट्रक्चर इस तरह से बना के दिखाएंगे। चले आगे। ओके, बढ़ा जाए। अब आइए हम लोग चल रहे हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड में। कहाँ जाएंगे हम लोग? मॉलिक्यूलर सॉलिड। हेडिंग दीजिए मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होंगे, एकदम आराम से देखते जाइएगा, कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स जो होंगे वो मॉलिक्यूल्स होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स जो होंगे वह मॉलिक्यूल्स होंगे। अब मॉलिक्यूल्स को हम दो नेचर में डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान से देखना, ये बॉन्डिंग में पढ़ाए थे फिर यहाँ डिटेल से बताएंगे। मॉलिक्यूल्स को दो नेचर में डिवाइड कर रहे हैं, नॉन पोलर, नॉन पोलर और पोलर, ये नेचर के आधार पर दो रूप में डिफाइन कर रहे हैं, नॉन पोलर और पोलर। ठीक है, अब इस नॉन पोलर में फोर्स के आधार पर, ध्यान से देखिएगा, पोलर को फिर दो रूप में डिफाइन कर दिए, किसके आधार पर? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के आधार पर, बाइंडिंग फोर्स के आधार पर। यहां पर जो बाइंडिंग फोर्स है वह है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यहां पर जो बांधने वाला फोर्स है वो क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है। जहां नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होगा वहां पर हम लोग वंडरवाल फोर्स, लंदन डिस्पर्सन फोर्स, वंडरवाल फोर्स, इसी को
लंदन डिस्पर्सन फोर्स क्या है डिटेल से फिर से बताएंगे, पर जो बॉन्डिंग पढ़ चुके हैं उनको पता होगा, जो नहीं पढ़े यहाँ हम रिपीट करके बताएंगे। यानी मॉलिकुलर सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हुए, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स को नेचर के हिसाब से दो कैटेगरीज में बांटे, पोलर एंड नॉन पोलर। अब पोलर और नॉन पोलर में मॉलिक्यूल्स में लगने वाले इंटर मॉलिकुलर फोर्स, जो बाइंडिंग फोर्स है जिसके चलते मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बंधेंगे, उसमें पहला फोर्स क्या लिखा, वंडरवाल फोर्स या लंदन डिस्पर्सन फोर्स। लंदन डिस्पर्सन फोर्स, इसी को इंस्टेंटेनियस डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन भी कहे थे, उतना नहीं जाना, सीधे भी एफ जाना, वंडरवाल फोर्स है। अब पोलर में एक देखेंगे डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, एक होगा इसमें डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन और एक तरह का फोर्स होगा एच बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी अभी तीन तरह के फोर्स पर डिस्कशन हम करने जा रहे हैं। मॉलिक्यूल्स को पहले क्लासिफाई करेंगे पोलर और नॉन पोलर। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में वंडरवाल फोर्स लगता है, कैसे लगता है, क्यों लगता है, बस 5 मिनट समय दीजिएगा, उसमें हम बता देंगे। पोलर को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे, एक डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, दूसरा एच बॉन्डिंग, है ना। कैसे करेंगे वो दिखा रहे हैं आपको, एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल जब आप नॉन पोलर की बात कीजिएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की बात कीजिएगा, तो नोबेल गैस आर्गन सॉलिड, नोबेल गैस होता है, कंडीशन पर इसको सॉलिड में लाए हैं, ध्यान से रखिएगा, आयोडीन सॉलिड, कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड, ये सब एग्जाम्पल होंगे किसके, वंडरवाल फोर्स के मॉलिक्यूल से, किसके होंगे, वंडरवाल फोर्स मॉलिक्यूल से होंगे, मीथेन सॉलिड, हाइड्रोजन सॉलिड, जो भी आप लिखना चाहते हैं। अब आइए डाइपोल डाइपोल में, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन के चलते कैसे एग्जाम्पल खोजेंगे ये भी बताएंगे। HCl सॉलिड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी गैस में रहता है पर कंडीशन में सॉलिड है, कंडीशन लगा के इसको सॉलिड मिलाया गया है, है ना। एच बॉन्डिंग, फोन से गप करता हुआ हाइड्रोजन जहाँ मिलेगा उसको एच बॉन्डिंग कहते, फोन से गप करता हुआ हाइड्रोजन, ये क्या बोले सर, सब बता रहे हैं, घबराइएगा मत, एच एफ, ठीक है। नेचर कैसा होगा, ये सभी सॉफ्ट होंगे, इन सभी में थोड़ा बहुत जो हार्ड होगा वो एच बॉन्डिंग वाला होगा। नेचर कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, तो ये सभी सॉफ्ट हैं, ये भी सॉफ्ट है, ये भी सॉफ्ट है, ये इन सभी इस तीनों में अगर हम कंपेयर करेंगे तो थोड़ा बहुत हार्ड जो होगा यही होगा, कौन, वाटर वाला। जब वाटर 0 डिग्री पर पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है, तो ये सब तो और भी पहले मेल्ट होगा, ये बात सोचिए ना आप। सबसे मजबूत जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है वो एच बॉन्डिंग है, और एच बॉन्डिंग में वाटर की औकात इतनी है कि वो 0 डिग्री पर पिघल जा रहा है, इसका मतलब ये सब तो और माइनस में ना पिघलेगा, मेल्ट करेगा, तो ध्यान से समझने की बात है। तो नेचर कैसा दिख रहा है, ये सभी सॉफ्ट है, इन सभी में थोड़ा बहुत भी कोई हार्ड है तो वो कौन सा है, वाटर वाला है। करेंगे करेंगे, तुरंत घबराइए मत, सब एक्सप्लेन करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट सबका लो है, एक एक करके कोई चीज छोड़ कहां रहे, आपको जो भी टर्म्स आ रहा है सब बताने पर समय लगेगा थोड़ा, धीरे धीरे। मेल्टिंग पॉइंट लो लो, इन सभी के कंपेयर में थोड़ा सा मेल्टिंग पॉइंट ऐसे इंक्रीज, ऐसे लो तो सब है पर इन सभी में अगर कंपेयर करेंगे तो ऊपर से नीचे मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में सभी इंसुलेटर हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ जब देखेंगे तो ये सभी इंसुलेटर हैं, ऑल आर इंसुलेटर्स, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी, जो फोर्स जिसके चलते ये पकड़ाया हुआ है, बंधा हुआ है, तो इंटर मॉलिकुलर फोर्स की जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो भी लिख लीजिए, अप्रॉक्स में लिख रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी, सबसे वीक यही होता है, तो लगभग लगभग 40 किलो जूल पर मोल दे रहे हैं, अप्रॉक्स लिख रहे हैं भैया, लेस देन इक्वल टू लिखे, अप्रॉक्स लिख रहे हैं, मतलब बहस में मत पड़ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कभी कभी 47 भी रहता है, 48 भी रहता है, ये अप्रॉक्स में लिखा जा रहा है ना।
फिर से रिपीट कर रहे हैं, पहले ध्यान रखिए तब एक एक करके पोलर क्या है, नॉन पोलर क्या है, उस पर हम डिस्कस करना चाहते हैं आपसे। अब आपको ये बात बताना है कि मॉलिकुलर सॉलिड है, इसके जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स, वो क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स। नेचर में कैसा होगा, इसको नेचर के हिसाब मॉलिक्यूल्स को दो रूप में बांटते हैं, पोलर और नॉन पोलर, पोलर और नॉन पोलर। नॉन पोलर में कैसा फोर्स लगता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, दो मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स लगता है उस फोर्स को कहते हैं वंडरवाल फोर्स या लंदन डिस्पर्सन फोर्स। क्या है कैसे अभी थोड़ा देर में एक्सप्लेन करेंगे। पोलर को फिर दो पार्ट में डिफाइन किए, एक किए डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, दूसरा क्या किए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कब डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होगा, कब एच बॉन्डिंग होगा, जो बॉन्डिंग पर हमको सब पता है, पर हम फिर से रिपीट करें, हम मान के चल रहे हैं आपको कुछ नहीं आ रहा है, फिर हमको यहाँ बताना है, ठीक है। नॉन पोलर के एग्जाम्पल कौन लिखे, आर्गन सॉलिड, आयोडीन सॉलिड, मीथेन सॉलिड, कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड, ये सब एग्जाम्पल लिखे। डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन का HCl सॉलिड, सल्फर डाइऑक्साइड सॉलिड, एच बॉन्डिंग कौन हो गया, H2S सॉलिड, HF सॉलिड। नेचर में ये सॉफ्ट सॉफ्ट, ये क्या हो गया, हार्ड। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, सबका लो ऊपर से नीचे इंक्रीज कर रहा है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, तो ऑल आर इंसुलेटर्स, ऑल आर क्या हो गया, इंसुलेटर। पहले लिखते चल जाइए, लिख लीजिए फटाफट, पहले लिख लिया जाए। फटाफट लिखा जाए, आज से आ जाएगा प्रिंस जी, आज से आ जाएगा। देखिए हमारे पास कुछ मजबूरी चल रहा था, आपको बता रहे थे कोविड की समस्या से संबंधित, अब से आज से हम लिखेंगे तो आपके पास नोट्स चला जाएगा सबका, है ना, घबराइएगा नहीं। हाँ, और जो भी क्लासेस हैं इसके वीडियो परमानेंट नहीं पड़े रहेंगे, हम अस्थिर नहीं हो पा रहे इसलिए नहीं हटा पा रहे थे, मतलब एक दिन आज जो क्लास हुआ आज ही भर क्लास का वीडियो रहेगा, एक दो दिन में आपको यही चीज़ दिखेगा, वो कल आप खोजिएगा तो नहीं मिलेगा। और नोट्स बनाते जाना है सबको, क्यों, अब इसके बाद हम टेस्ट लेने का भी पैटर्न बताएंगे, थोड़ा बिजी चल रहे थे, एक दिन और लग सकता है, पर बाकी सभी चीज़ें आपके पैटर्न में आना शुरू हो जाएंगी। नोट कर लिया, ठीक है ठीक है। सुधांशु जी 5 मिनट पहले इसको एक्सप्लेन करने दीजिए, तब आपको आगे, आज आपकी बात नहीं सुनेंगे आज, पहले थोड़ा सा कभी कभी। अब मॉलिक्यूल्स को दो पार्ट में डिफाइन कीजिए, हम अपने नेचर से, आपको पता है कि कितना स्लो चल रहे हैं, कभी देखा है इतना स्लो पढ़ाते हुए, फिर भी हम जान रहे हैं चूंकि सबको पकड़ाने के लिए थोड़ा भी स्लो चलना है, सब धीरे धीरे पकड़ लीजिएगा, पर टॉपिक को भी तो ध्यान रखना है सुधांशु बाबू। एक तरफ हमने पोलर मॉलिक्यूल्स रखा, दूसरे तरफ हमने नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स रखा, नॉन पोलर। अगर किताबी सिस्टम से हम लोग चले तो याद करो हम लोग वहां पढ़े थे डाइपोल मोमेंट, पहले किताबी सिस्टम से चले, फिर हमको किताबी नॉलेज नहीं है फिर भी हम पोलर नॉन पोलर क्लासीफाई कर सकते हैं। डाइपोल मोमेंट, म्यू रिजल्टेंट निकाले थे, जहां म्यू रिजल्टेंट जीरो हुआ था वैसा मॉलिक्यूल कहलाया था नॉन पोलर, और जहां पर म्यू रिजल्टेंट का कुछ वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो हुआ था वो मॉलिक्यूल कहलाया था पोलर। और म्यू निकालने का तरीका क्या था, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इंटू बॉन्ड लेंथ, यही निकालने के लिए सिखाए थे आपको। और याद करो डाइपोल मोमेंट इज ए वैक्टर क्वांटिटी, डायपोल मोमेंट कैसा क्वांटिटी था जिसको हम लोग बॉन्ड मोमेंट भी कहे थे, बॉन्ड मोमेंट भी कहे थे, याद कीजिएगा। और सिखाए थे कि फिजिक्स के डायपोल और केमिस्ट्री के डायपोल में अंतर क्या है, यहाँ डायपोल कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को दिखा रहा है, वहाँ भी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को दिखाता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब HCl है, HCl में आप जान रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी है वो क्लोरीन का ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, हाइड्रोजन से। तो शेयर क्या हो इलेक्ट्रॉन को, कौन खींचेगा, तो शेयर क्या हो इलेक्ट्रॉन को, क्लोरीन अपनी ओर खींचेगा, तो क्लोरीन पर पार्शली नेगेटिव और हाइड्रोजन पर कैसा चार्ज आएगा, पार्शली पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस तरह से हम लोग दिखाए थे, याद करो। तो जब इस पर
पार्शली पॉजिटिव, इस पर पार्शली नेगेटिव चार्ज आया था, तो इसको वेक्टर से कैसे दिखाए थे, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर म्यू का जो कुछ वैल्यू निकल रहा है, इसके चलते इसे हम लोग क्या कहे थे, पोलर कहे थे, इसे क्या कहे थे, पोलर कहे थे। पर नॉन पोलर में क्या लिखे थे, याद करो, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, दो इक्वल अपोजिट वेक्टर का सम हमेशा जीरो होता था, दो इक्वल अपोजिट वेक्टर का सम कट के हमेशा क्या होता था, जीरो होता था। तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते थे इस तरह से, ये लीनियर मॉलिक्यूल से, ध्यान से देखना, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते थे ये लीनियर मॉलिक्यूल से, और हम लोग खूब अच्छे ढंग से जान रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी है ऑक्सीजन का वो ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, तो आप कहिएगा कार्बन से ज़्यादा है। जब इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ऑक्सीजन का ज़्यादा है कार्बन से, तो शेयर क्या है, इलेक्ट्रॉन को कौन अपनी ओर खींचेगा, ऑक्सीजन अपनी ओर खींचेगा, ऑक्सीजन पर पार्शली निगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आएगा, निगेटिव होगा इस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब क्या होगा कि मूवमेंट इधर जो डाइपोल का देखेंगे ऐसे चलेगा, दो इक्वल अपोजिट वेक्टर, दो इक्वल अपोजिट वेक्टर का सम कट के क्या होगा, जीरो होगा। और यही कारण है यहां जो म्यू रिजल्टेंट है वो जीरो है, जिसके चलते इसको हम लोग क्या कहे थे, नॉन पोलर। अभी देखो कार्बन डाइऑक्साइड को नॉन पोलर एग्जाम्पल में लिखे होंगे, तो जहाँ दो इक्वल अपोजिट वेक्टर का सम कट के जीरो हो गया, म्यू रिजल्टेंट जीरो हो गया, इसलिए ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या कहे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहे। कैसा मॉलिक्यूल्स कहे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहे। ये एक तरीका था जो हम लोग बॉन्डिंग में सीखे थे, पर अगर हमको ये नहीं आ रहा है तो ईजी कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जिससे हमको पोलर और नॉन पोलर क्लासीफाई कर पाना आसान काम होगा। ज़रा देखिए, ठीक है, नोट कर लिया तो बताइएगा। नोट कर लिया तो बताइएगा, क्लियर है। इसको कैसे, दो इक्वल अपोजिट वेक्टर का सम जीरो होगा तो उसको नॉन पोलर कहेंगे, पर अगर हमको ये नहीं आता है फिर भी हम चाहते हैं निकालने के लिए, बहुत आसानी से निकाल लेंगे। देखिए अब और दूसरा आसान तरीका, ये किताबी मेथड हम आपको बताए, अब इससे भी आसान तरीका आपको बताते हैं कैसे हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। हो गया नोटेड, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो देखिए कैसे कर सकते हैं। अब मॉलिक्यूल्स को आप ऐसे कर दो, ध्यान रखिए मॉलिक्यूल्स को दो पार्ट में डिफाइन कर दो, एक हो गया आपको नॉन पोलर और एक हो गया पोलर। अगर आपको डाइपोल मोमेंट नहीं निकालने आता, घबराने की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, मॉलिक्यूल्स को दो कैटेगरीज में डिफाइन कर दो। ये हम आपको टेक्निक सिखाने हैं, 90% मॉलिक्यूल्स को आप इसी टेक्निक से निकाल सकते हैं, कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है। जो सेमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हो, पूछा आप सेमेट्रिकल किसको कहेंगे, उसे आप नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहोगे, और जो सेमेट्रिकल नहीं है तो उसको अनसेमेट्रिकल कह दो या नॉन सेमेट्रिकल कह दो। अब क्या है सिमेट्रिकल, पहले समझोगे, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। अगर होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है, होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है, होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है, होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है, तो आंख बंद करके कह दो कि वो नॉन पोलर है, चाहे H2 हो, I2 हो, O2 हो, Cl2 हो, N2 हो, ये सभी क्या हो जाएंगे, नॉन पोलर, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, दोनों एटम की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी सेम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा क्या कोई। अगर हम कहे कि बताओ कि H और H है, अब किस H का बल ज़्यादा, तो भैया दोनों H का बल ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी दोनों का सेम है, कोई खींच पाएगा, नहीं खींच पाएगा, तो क्या कहेंगे, ये हो जाएगा नॉन पोलर। पर हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स हो जाए, हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स हो जाए,
हेट्रोडायटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो जाए। याद रखिएगा कल जितना बात पढ़ाए अभी तक चारों लेक्चर में एकदम धीरे धीरे पढ़ाए, कल पूछेंगे आप लोग से, ध्यान रखिएगा कल हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा सिर्फ पूछा पूछवल वाला कॉन्सेप्ट होगा। क्वेश्चन बनवाएंगे एनसीईआरटी का, आरसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन बनवाएंगे, जो वीके जसवाल में है, अवस्थी जसवाल में, उससे क्वेश्चन करवाएंगे और आपसे ही पहले पूछेंगे, तब आगे टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हेट्रोडायटॉमिक मॉलिक्यूल्स, HCl हो जाए, HBr हो जाए, NO हो जाए, इस तरह का जो कॉन्सेप्ट रहेगा तो वो कहलाएगा आपको पोलर। वो क्या कहलाएगा? पोलर। जहाँ हेट्रो हुआ, डिसिमिलर एटम्स हुए, वो पोलर हो जाएंगे, क्लियर? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का डिफरेंस दिखेगा। ये तो सिंपल तरीका हुआ। नोबेल गैस को भी नॉन पोलर में लेके आओ, चाहे हीलियम हो जाए, नियोन हो जाए, आर्गन हो जाए, क्योंकि फ्री एटम, इस पर तो कोई चार्ज होगा नहीं, ठीक है? बोला और कैसे डिफाइन करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अब और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहे हैं, हेट्रो में सेम इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कहां से लेके आएंगे, ठीक है? कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का डिफरेंस जरूर होगा जसन जी। चले, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी सेम होगा तो साइज का कुछ ना कुछ डिफरेंस हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, बस लास्ट ही कर रहे हैं, पहले इस पॉइंट को खाली क्लियर कर देना चाहते हैं, नहीं तो फिर हमको यहीं से स्टार्ट करना पड़ जाएगा, दो चार मिनट और लगेगा। नोट कर लिए तो आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिए तो आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखिएगा नॉन पोलर में, बस खाली इस पॉइंट को क्लियर कर लें, पोलर और नॉन पोलर, न तो फिर कल हमको इसी पर बहस करना होगा, कल आप प्रैक्टिस पर आएंगे ना, जितनी बात सिखाएं उसको जब तक दो चार दस बार आप लोग से करवाएंगे नहीं तब तक कैसे काम चलेगा। अगर ध्यान से देखना, अगर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल से, ध्यान से सीखिएगा, अगर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल से यानी दो से अधिक एटम है तब कैसे सोचना है। जब पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होगा तब वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, क्या देखो? वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे कार्बन है, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? चार। अगर किसी एटम के पास जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सभी का सभी एक ही प्रकार के एटम से बॉन्ड बनाते हों, जैसे कार्बन के पास चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो एक ही प्रकार के एटम हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है, तो ये निश्चित तौर पर मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर होगा। ये सिर्फ क्लोरीन से बॉन्ड बना रहा है, एक ही प्रकार के एटम से बॉन्ड बना रहा है, निश्चित तौर पर यह मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर होगा। सिर्फ ऑक्सीजन से, चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रकार के एटम ऑक्सीजन से ही चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग ले रहा है, तो ये क्या होगा? नॉन पोलर होगा। सिर्फ सल्फर से ही बॉन्डिंग में भाग ले रहा है तो ये मॉलिक्यूल्स क्या होगा? नॉन पोलर होगा। पर अगर ध्यान से देखो, कार्बन के पास चार इलेक्ट्रॉन है, चार बॉन्ड तो बना रहा है पर तीन हाइड्रोजन और एक क्लोरीन से बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? पोलर हो जाएगा। दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन से बना रहा है तो क्या हो जाएगा? पोलर हो जाएगा। एक तरफ ऑक्सीजन एक तरफ सल्फर से बना रहा है तो क्या हो जाएगा? पोलर हो जाएगा। चार इलेक्ट्रॉन है, दो ही इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग ले रहा है, एक लोन पेयर बचा रहा है तो क्या हो जाएगा? पोलर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर से समझिए हम क्या कह रहे हैं। हम कह रहे हैं किसी एटम के पास, जैसे देखो फास्फोरस है, फास्फोरस के पास ध्यान से देखिएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाँच हैं। अगर वो पांचों का पांचों एक ही प्रकार के एटम से बॉन्ड बनाता है, जैसे PCl5 एक ही प्रकार के एटम से बॉन्ड बना रहा है, तो आपको कहला जाएगा वो नॉन पोलर। अगर उसके पास तीन ही बॉन्ड बनाया, एक लोन पेयर बचा लिया, तो क्या कहला जाएगा? पोलर। सल्फर है, सल्फर के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो? छह देख रहे हो। जब इसके पास छह वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सबका सब एक ही प्रकार से एटम से बॉन्ड बना लिया, SF6 देखो ना, SF6, तो ये क्या कहला रहा है? ये कहला रहा है आपको नॉन पोलर। पर ध्यान से देखिए, पर अगर ये सल्फर चार ही बॉन्ड बना रहा है, जरा देखो
लॉन पेयर जहां दिखे वहां पर मोस्टली टाइम हम बार बार करेंगे 90% मॉलिक्यूल्स में 100% परफेक्ट कीजिएगा, 10% मॉलिक्यूल्स जरूर होंगे। ये टेक्निक है, सही तरीका तो वही है डाइपोल मोमेंट निकाल के देखने का, याद रखिएगा ये टेक्निक है जिससे आप आसानी से, आपको नहीं डाइपोल मोमेंट निकालने आ रहा है, थोड़ा सा नॉलेज है, काम कर लीजिएगा। ये टेक्निक हम बार बार कह रहे हैं, ठीक है। इसी को फाइनली रूल नहीं मानिए, 100% रूल तो क्या था, डाइपोल मोमेंट, पर इससे आपका बहुत अच्छे ढंग से काम हो जाएगा। जहां लॉन पेयर दिखा तुरंत समझ जाइए क्या है, पोलर, क्या है, पोलर। देखो ना वाटर, देखो लॉन पेयर दिखा कि नहीं दिखा, वाटर के पास पोलर, अमोनिया लॉन पेयर दिखा पोलर, अल्कोहल लॉन पेयर दिखा पोलर, एकदम ऐसे ही है, देख के बता देंगे। प्लस सर सल्फर ट्राइऑक्साइड बताइए तो, अरे घोड़ा, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 का 6 बॉन्ड बना रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या कहला जाएगा, सिमिलर एटम कि डिसिमिलर एटम, तो सिमिलर एटम, तो मॉलिक्यूल्स क्या कहलाया, नॉन पोलर। और यही SO2 रहता, देखो घोड़ा, तो क्या हो जाता, एक लॉन पेयर बच गया तो मॉलिक्यूल्स पोलर हो जाएगा। क्या आसानी से बता सकते हैं, ठीक है, तो होमवर्क समझिए, इंटेक्स प्रॉब्लम NCERT में 1.5 और एक्सरसाइज, इंटेक्स प्रॉब्लम 1.1 से लेके 1.5 तक, एक्सरसाइज 1.1 से लेके 1.4 तक कल बना के रेडी रखिएगा। कल हम अभी तक जितने क्लास में बताए हैं, कल परसों पहले से लेके सब पर क्वेश्चन कराएंगे, कॉन्सेप्ट अभी इसमें बताना, एच बॉन्डिंग कब लगेगा, डायपोल कब लगेगा, वंडरवाल फोर्स कब लगेगा, वो बता के क्वेश्चन पहले कराएंगे, तब आप लोग से जवाब पूछेंगे, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, क्वेश्चन बना के हम रखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कब, शाम में, घर में रहिए, सेफ रहिए, एकदम बार बार बता रहे हैं, और पढ़ते रहिए।